अस्सलाम वालेकुम, सिद्धत आहिर हेयर फ्रॉम रेल स्कॉलर्स कॉलेज। आई होप यू गाइस आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 प्रीवियस पार्ट्स टू रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली। उनको हम लोग जो हैं वो कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब जो है वो यूज़ करते हैं, आप उसको डेरिवेटिव, जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता है, उसको इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल कहा जा सकता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से हम ऐसे फंक्शंस जिनका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होता, जिसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टैन इनवर्स। अब टैन इनवर्स एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का रूल नहीं है, ऐसे फंक्शंस के लिए हम क्या काम करेंगे, हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है इसको वन के साथ। अब देखिए, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, टैन इनवर्स एक्स लेट किया, क्योंकि हम फर्स्ट फंक्शन हमेशा वो लेट करते हैं जिसकी पॉसिबल नहीं होती, और सेकेंड फंक्शन जो भी बच गया उसको हमने लेट कर लिया। सेकेंड फंक्शन जो भी हमारे पास है उसको हम जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले u इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, उसको डेरिवेट किया, डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स x के। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसी तरह से जो हमारा सेकेंड फंक्शन है जो कि 1 है, उसको हमने इंटीग्रेट किया दोनों साइड्स पे, तो इसकी इंटीग्रेशन x के इक्वल। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो फॉर्मूला है इसमें पुट कीजिए, होती क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट की, डबल इंटीग्रेशन। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, जब वैल्यूज पुट की यहाँ पर, तो फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स, सेकेंड फंक्शन एक्स माइनस ये हमारे पास एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास ये आ गया एक्स ओवर, जिसको हमने दोबारा इंटीग्रेट करना है, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब आप यहाँ पे देखें, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर में डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, बाहर डिवाइड भी कर दिया। तो जब ऊपर डेरिवेटिव बन गया तो हमारे पास रूल लग गया नेचुरल लॉ का, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो तो हम क्या काम करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 देखिए, एक्स क्यूब इंटू टेन इनवर्स एक्स। ये बात तो हम पहले कर चुके हैं कि टेन इनवर्स एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती है, तो अब हम क्या काम करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को हमने लेट कर लिया फर्स्ट फंक्शन के इक्वल, एंड एक्स क्यूब को लेट कर लिया सेकंड फंक्शन के इक्वल। फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेट किया तो हमारे पास आया डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो इस पर अप्लाई हुआ पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर में 1 प्लस किया और उसी चीज़ से डिवाइड किया कर दिया, तो ये बन गया x की पावर 4/4। इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स के फॉर्मूला में पुट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जो है कि टेन इनवर्स x, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो कि x की पावर 4/4 है, माइनस यही चीज़ जो है वो यहाँ पर आई, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है वो क्या है, एक्स की पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये फ्रैक्शन क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमिरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से उसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर है। तो इस तरह के केसेस के लिए हम क्या काम करेंगे, मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको 3.3 में भी करवाया था, हम इस पर अप्लाई करेंगे पहले डिविजन। इसको जब आप डिवाइड किया तो डिवाइड करके एक्सप्रेशन इक्वल आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर के। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, जो ये इक्वेशन है उन्हें पुट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको इंटीग्रेट करें तो देखो, एक्स स्क्वेयर का की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 हो गया, पावर रूल अप्लाई किया, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट रूल बताया था, क्योंकि टेन इनवर्स x का ये डेरिवेटिव होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x की इक्वल आ गई, सर 1/4 आ रहा है।
तो आप ये 1/4 यहाँ पे भी पूरे में से कॉमन ले लिया और सुलेमान साइन को एडजस्ट कर दिया, तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है। जब तक आप लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, तो काइंडली आप लोग साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 14 देखिए, x इंटू साइन इनवर्स x। अब आप देखिए साइन इनवर्स x की, जैसे टेन इनवर्स x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, उसी तरह साइन इनवर्स x की भी इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। तो हमने लेट कर लिया फर्स्ट फंक्शन को साइन इनवर्स x के इक्वल एंड सेकंड फंक्शन को लेट किया x के। फर्स्ट फंक्शन को जब डेरिवेट किया तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x2, और x की इंटीग्रेशन पावर रूल अप्लाई किया तो x2/2, इसको इंटीग्रेशन पर पार्ट्स के फॉर्मूला में पुट किया। फर्स्ट फंक्शन जो कि है साइन इनवर्स x एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन मीन x2/2 -x2/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू 1/1 + x2। तो अब आप देखें इसमें ये बात, आप इस बात का ज़रा ख्याल रखा करिए कि ये जो आपके पास एंगल में, हमारे पास जो एंगल में x है उसको हम ये कॉफिशेंट वाले x से हम बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम इस वजह से इसको लाजमी आप लोग पहले लिखा करिए ताकि आप उसका मिस्टेक नहीं मल्टीप्लाई ना कर दें। अब जो इंटीग्रेशन के लिए हमने एक दफ़ा और भी, या जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये क्या है x2/√1 + x2। तो अब देखिए ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है जो अंडर रूट के अंदर, वही ऊपर भी बनाया जा सकता है। इधर x2 के साथ माइनस से, इधर x2 के साथ माइनस से मल्टीप्लाई भी किया बाय डिवाइड किया, ये बाहर पहले माइनस को अंदर अंदर ले आए तो ये चीज़ ओके। अब इसके अंदर 1+ हो रहा है तो 1 को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। तो अब देखिए ऊपर भी 1 - x², नीचे अंडरूट में भी 1 - x², इसको दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको आप जो है वो जिनकी पावर्स को सॉल्व करें तो ये √1 - x² बच गया, और ये -1/√1 - x² एज इट इज़। इस पहले 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो देखें अब आप यहाँ पर दो एक्सप्रेशन हो गए, यहाँ पर मिस्टेकनली यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो 1/√1 + x² है जो ये लिखा हुआ है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो इस चीज़ की इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है थर्ड वन, ये 1/√1 + x², तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन रहेगी √1 - x², जिसका कोई डायरेक्ट रूल नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन के 3 केसेस बताए थे कि अगर कॉन्स्टेंट में से वेरिएबल माइनस होता हो तो इसमें हम साइन थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे कांस्टेंट जो है 1 के इक्वल है, तो x इज इक्वल साइन थीटा हमने सब्सटीट्यूट किया, डिफरेंशियल अप्लाई किया, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साथ एंगल का डिफरेंशियल साथ आ गया। इसको हमने जो एक्सप्रेशन जिसको इंटीग्रेट करना है जिस उसी को कंसिडर करें, साथ साथ पूरा मत लिखें। इसको जो हमने गिवन एक्सप्रेशन जो हमने कंसिडर किया हुआ उसमें पुट किया, तो ये बन गया 1 - sin²θ × cos θ dθ, 1 - sin², क्योंकि cos² की इक्वल होता है अंडर रूट है, तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये भी cos θ cos × cos² फिर आपको ये बताया गया था कि sin² आ जाए, cos² आ जाए, 1 + cos θ आ जाए या 1 - cos θ आ जाए, इस तरह के 4 केसेस में हम हमेशा जो है वो हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या होती है, cos²θ की 1 + cos²θ/2, इसको सेपरेटली डिवाइड किया 1 के साथ सेपरेट और ये cos²θ के साथ सेपरेट। अब ये cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, 2θ, 2θ का डेरिवेटिव 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये 1/4, और cos की इंटीग्रेशन साइन 2θ हो गया। साइन 2θ किसके इक्वल होता है, 2 sin θ × cos θ, ये डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो ये बन गया 1/2θ + 1/2 sin θ cos θ। अब बैक सब्सटीट्यूशन भी करनी है, क्योंकि देखिए आंसर हमारा थीटा में आ रहा है, हमें थीटा में तो नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स में था। बैक सब्सटीट्यूशन हमेशा वहाँ से हम करते हैं जहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन की होती है। सब्सटीट्यूशन हमने की थी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा की तो वैल्यू आ गई, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन के साइड लें, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। और कॉस क्योंकि इक्वल होता है 1 - sin², तो साइन की वैल्यू एक्स है, तो ये cos θ बन के √1 - x²
जिसको हमने इस पर इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का आंसर आ गया 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई टू एक्स इंटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें सारी वैल्यूज पुट करने से। लेकिन ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इस वाली चीज़ को सॉल्व कर रहे थे जो सेकेंड टर्म था, ये जो 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए जिसकी वैल्यू आई है गिवन इक्वेशन में। जब वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो देखें ये वैल्यू है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। इसको सॉल्व कीजिए, जहाँ पे कोई टर्म कॉमन आती है वो कॉमन ले लें। जैसे देखें यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है, ये भी साइन इनवर्स एक्स है, इसके साथ एक्स स्क्वायर बाई टू, इसके साथ 1 बाई टू, साइन इनवर्स एक्स कॉमन लिया तो, और साथ साथ जो है वो सॉरी ये सेकेंड टर्म की बात करें, ये 1 बाई फोर साइन इनवर्स एक्स है और ये 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स है, इसमें से साइन इनवर्स एक्स कॉमन लिया तो 1 बाई फोर माइनस 1 बाई टू, और ये सॉल्व होके माइनस 1 बाई फोर आ गया। बाकी जो टर्म्स है वो एज इट इज हैं, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आज का हमारा टॉप जो लेक्चर है वो यहीं तक था। इन क्वेश्चंस में कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप लोग मुझसे काइंडली कम्युनिकेट कीजिए, इन क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व कीजिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।